દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે દિલ્હીની શાળાઓ અંગે નિવેદન આપ્યું. તેમણે કહ્યું કે હું અમિત શાહને આમંત્રણ આપું છું કે તેઓ મારી સાથે આવે અને દિલ્હીની સરકારી શાળાઓની મુલાકાત લે. સરકારી શાળાના બાળકોની મહેનતની મજાક ન ઉડાવો. શાળા પર રાજનીતિ કરો, પણ સકારાત્મક રાજનીતિ કરો. ઉલ્લેખનીય છે કે અમિત શાહે આમ આદમી પાર્ટી પર હુમલો કરતા પૂછ્યું હતું કે દિલ્હી સરકારે કેટલી શાળાઓનું નિર્માણ કરાવ્યું છે. આપને અમિત શાહજીને દિલ્હી કે સ્કૂલો કે બારે મેં ઓર દિલ્હી કી શિક્ષા વ્યવસ્થા કે બારે મેં કાફી ગલત સલત બોલાયા. હમ હમેશા સે ઇસ પક્ષ મેં રહે હૈ કે શિક્ષા રાજનીતિ કા હિસ્સા બનની ચાહીએ. વોટ ઇસ બાત પે પડને ચાહીએ કે આપને સ્કૂલ અચ્છે કરાએ યા નહીં કરાએ, આપને બચ્ચો કી પઢાઈ અચ્છી કી યા નહીં કી. इससे देश आगे बढ़ेगा, लेकिन स्कूलों के ऊपर गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए. जो माननीय गृह मंत्री ने बोला है दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर, स्कूल खराब हैं, ये है वो है, बच्चों की पढ़ाई खराब है, आज पूरी देश ने पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की तारीफ हो रही है. अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी होती है इससे तो देश आगे बढ़ेगा ना. तो जब अगर अच्छा काम हो रहा है, कहीं पे भी अच्छा काम हो रहा है, चाहे कोई भी सरकार कर रही है, उसको इस तरह से गंदी राजनीति के बीच में लाना देश के लिए अच्छी बात नहीं है. मैं आज अमित शाह जी को आमंत्रण देता हूं कि आप समय बताइए, मैं अपने सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करके मैं आता हूं आपके पास, आपको लेके चलता हूं, दिल्ली के स्कूलों में लेके चलता हूं. आप बताइए कौन से स्कूल में चलना चाहेंगे, मैं आपको लेके चलता हूं और दिल्ली के स्कूल दिखाता हूं. हम ये नहीं कर रहे सब कुछ अच्छा हो गया, हम ये नहीं कह रहे, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन बहुत कुछ अच्छा हुआ है पिछले 5 साल के अंदर. 70 साल के अंदर जो गंद खिड़ा इन्होंने करा कर रखा था उसको साफ करने की कोशिश की है हम लोगों ने. स्कूल बहुत अच्छे हुए हैं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन बहुत अच्छे हुए हैं. और ये हम लोगों ने नहीं किए. मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूं, 16 लाख बच्चे जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, आज ये उन लोगों की मेहनत का नतीजा है कि दिल्ली के स्कूल अच्छे हो रहे हैं. इन 16 लाख बच्चों के पेरेंट्स, उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज स्कूल अच्छे हो रहे हैं. आज दिल्ली के अंदर जो 60-65 हजार टीचर्स काम कर रहे हैं, उनकी मेहनत का नतीजा है कि ये स्कूल अच्छे हो रहे हैं. जो प्रिंसिपल्स काम कर रहे हैं, उनका नतीजा है. मैं अमित शाह जी को कहना चाह रहा हूं कि आपके इन बयानों की वजह से उन 16 लाख बच्चों का अपमान हुआ है, उन 65 हजार टीचर्स का अपमान हुआ है, उन 16 लाख बच्चों के पेरेंट्स का अपमान हुआ है. इन 16 लाख बच्चों के पेरेंट्स ने मेहनत की थी, इन बच्चों ने मेहनत की थी, तब दिल्ली के 12वीं क्लास के 96% नतीजे आए थे. आपको हमसे प्रॉब्लम है, आप हमें गाली दे लीजिए, केजरीवाल को गाली दे दीजिए, मनीष सिसोदिया को गाली दे लीजिए, आम आदमी पार्टी को गाली दे लीजिए, आपको जो करना है आप गाली दे लीजिए, दिल्ली के 16 लाख बच्चों की मेहनत और उनके पेरेंट्स की मेहनत को गाली मत दीजिए, हमारे टीचर्स की मेहनत को गाली मत दीजिए.